हेलो दोस्तों तो आज हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा फेमस जो इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में उन पर्सनस के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं नाम उनका है एफ डब्ल्यू टेलर तो इनका पिक्चर आपके पास यहाँ पे है देख सकते हैं तो एफ डब्ल्यू टेलर को क्या मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है उनका तो लिख लीजिए ये है फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के फादर हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी कैसी है कैसे अच्छी की जा सकती तो मतलब है कितनी देर में हो रहा है कितने टाइम में कंप्लीट हो सकता है इन टाइम स्टडी के तो क्या है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के और प्रोडक्टिविटी के कॉन्सेप्ट और टाइम स्टडी भी इन्होंने ही बताया है तो एफ डब्ल्यू टेलर लिख सकते हैं आप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है एडम स्मिथ तो एडम स्मिथ ने जो हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन दी है वो है साइंटिफिक मैन्युफैक्चरिंग में साइंटिफिक मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग में साइंस को इन्वॉल्व करना ओके डिवीजन ऑफ लेबर की लेबर क्या काम करेगी कौन का लेबर होगा तो ये डिवीजन ऑफ लेबर भी इनके नाम है तो एडम स्मिथ एडम स्मिथ नेक्स्ट है हेनरी एल गैंट तो जी ए एन डबल टी है गैंट तो यहाँ पे देख सकते हैं तो अठारह में तो इतना मतलब देखिए कितना पुरानी बात है तो इन्होंने तब कंट्रीब्यूशन क्या क्या दिया इंसेंटिव प्लान्स दिए कि अगर मान लीजिए कोई स्लो वर्कर है कोई अच्छा वर्कर है तो अच्छे वर्कर को इंसेंटिव देना है गैट चार्ट फॉर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग तो शेड्यूलिंग प्रोडक्शन शेड्यूलिंग करने के लिए एक गैट चार्ट दिया था अपना नाम दे दिया भाई साहब ये ठीक है ठीक है अपना नाम देना होता है तो अपना इसे कहते हैं नाम बनाना ठीक है पीढ़ी आगे बढ़ेगी तो नाम याद रखेगी कि मैं बुजुर्गों ने क्या किया था ओके okay, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे दो हैं तो हस्बैंड uh, वाइफ है इनका है फ्रैंक गिलबर्थ और लीलियन गिलबर्थ तो दोनों का नाम जो है वो है एडवांसमेंट ऑफ मोशन स्टडी तो मोशन स्टडी इवन हाथ किस तरह से मूव हो रहा है इस तरह से मोशन जा रहा है किस तरह से जा रहा है इवन फिंगर की मोशन तो इसके बारे में जो स्टडी है वो इन दोनों ने की थी गिल बर्थ तो इन्होंने अपना नाम जो है गिल बर्थ को उल्टा करके थर्बलिक कर दिया था थर्बलिक तो थर्बलिक आपको पता होगा ये मशहूर है जहाँ पे हम साइंस बताते हैं कि कोई साइन के हिसाब से तो हमारे पास अलग अलग साइंस होते हैं ये हम मैं अंडरस्टैंडिंग में पूरा टीच कर रहा हूँ अब ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप में सब कुछ मिल जाएगा ये तो एक सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है तो इंट्रोडक्शन के बाद हमें अगर डिटेल चाहिए एस तो एस की तैयारी चाहिए तो ऐप डाउनलोड कर लेना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा नेक्स्ट है हमारे पास एल एच एल एच सी टिपेट तो इनका क्या नाम है ये देखिए इनका है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क सैम्पलिंग में वर्क सैंपलिंग में इनका नाम है ठीक है वर्क सैंपलिंग में इनका नाम है तो व सैंपलिंग लेनी है सैंपल लेके किस चीज़ को चेक करना है उसके बारे में हमारे पास वर्क सैंपलिंग के बारे में एल एच सी टिपेट ने कॉन्सेप्ट दिया था तो वर्क सैंपलिंग किसी भी वर्क को आगे करने के लिए तो सैंपलिंग करना उसके लिए नेक्स्ट है जॉर्ज बी डेंजेंट तो इनका नाम जो है वो फादर ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग में तो लीनियर प्रोग्रामिंग भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है तो उनके जो फादर माने जाते हैं वो जॉर्ज बी डेंजिन माने जाते है। ओके। है है हैं ओके नेक्स्ट है हेनरी फोर्ड इनको कौन नहीं जानता फोर्ड कंपनी के मालिक ऑनर है ये ऑनर ऑफ फोर्ड है फोर्ड कंपनी के मालिक हैं इन्होंने क्या मेन काम किया मास प्रोडक्शन करनी स्टार्ट की और मूविंग लाइन असेंबली मूविंग लाइन असेंबली मतलब आपने देखा है कार पड़ी है यहाँ पे जो काम होना है आगे चली जाती है कार उसके ऊपर असेंबल किया जा रहा है इस तरह से मूव करती रहती है मूविंग लाइन असेंबली होती है और मास प्रोडक्शन होता है तो ये हैंनरी फोर्ड ने ये कॉन्सेप्ट दिए थे हेनरी फोर्ड में ठीक है तो ये कुछ फेमस पर्सन थे जिनके बारे में मुझे आपको बताना था इनका कहीं ना कहीं एस एस किसी भी तरह का जेई का एग्जाम है वहां पे एक नाम तो आपको देखने को मिल जाएगा प्लीज इसके नोट कर लीजिए और इस चीज को आप कहीं ना कहीं देखेंगे जरूर जेई या ए के एग्जाम एक में और अगर आप मेरे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है ऐप का ऐप डाउनलोड कीजिए और मेरे साथ स्टार्ट करिए तैयारी थैंक यू सो मच नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे